हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पहुंच चुके डीसी के 12th क्लास तक और आज की इस क्लास में हम लोग एक्सेल पे प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट को क्रिएट करना सीखेंगे। जबकि पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म्स को देखा था जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होता रहता है। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं सही तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छी क्लास हमारे डेस्कटॉप के ऊपर होने वाला है तो चलिए हम डेस्कटॉप के ऊपर चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। ऐसी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपने डेस्कटॉप को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। यहाँ ये देख सकते हैं हमारा एक्सेल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं इसे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लैक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे कुछ डाटा को पेस्ट कर देता हूँ जो मैं यहाँ पे कॉपी किया था। तो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट करके कुछ डाटा को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं यहाँ पे भी एक डाटा को पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं उसे भी पहले यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे भी एक डाटा को पेस्ट कर दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि हम इन डाटा को किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में शोन कर सकते हैं। ये लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। हाँ, अब ये देखिए मैं सबसे पहले तो प्रिंट प्रीव्यू का स्टार्ट कर लूंगा। यहाँ पे ये देखिए काफी छोटा है तो मैं इसे सबसे पहले यहाँ पे इतने दूर तक पहले बना लेता हूँ। अब हम प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेते हैं एक बार। पहले हमारा सारा डाटा यहाँ पे शो हो रहा है, लॉस देखिए लॉस परसेंटेज हमें शो नहीं हो रहा है तो हम लॉस परसेंटेज को भी थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लॉस परसेंटेज भी शोन होने लगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है और हमने उसे बेचा कितना में। हमारे पास लैपटॉप था जो हमने 40,000 में खरीदा और उसे बेचा है हमने 45,000 में, तो हम इसका प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा और कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले आपको इक्वल टू प्रेस करना है, उसके बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और अब आपको चुनना है कि आपका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेल प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कॉमा का यूज करेंगे। फिर अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने का है, तो इसके लिए हम लोग फिर से सेल प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे किसके साथ, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस के साथ माइनस करेंगे। पर इसके अलावा अगर कुछ आता है वैल्यू तो हम उसका एक डिफॉल्ट वैल्यू भी प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम सब डिफॉल्ट वैल्यू होगा नो प्रॉफिट, ब्रैकेट बंद और यहाँ पे देखिए मैंने गड़बड़ कर दिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन तो लगा दिया लेकिन यहाँ पे मैंने इफ लिखना भूल गया। तो चलिए मैं इफ को भी लिख देता हूँ और अब मैं एंटर को प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे नो प्रॉफिट लिखा हुआ आ रहा है जबकि हमें प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, कहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया। तो चलिए हम बताते हैं आपको, हम लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, इस साइन को लगाने में यहाँ पे मिस्टेक किया है। चलिए इस साइन को हम लोग बदल देते हैं और अब हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए 5,000 का हमें प्रॉफिट यहाँ पे शोन हो रहा है। मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक, तो ये हमारा सारा कहाँ कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें शोन कर रहा है। जैसे कि कीबोर्ड हम लोगों ने 1200 रुपये में खरीदा था और बेचा 1500 रुपये में, तो हमें यहाँ पे 300 का प्रॉफिट हुआ। उसी से हम लोगों ने मोबाइल यहाँ पे 32,000 का खरीदा था और बेचा 35,000 में, तो यहाँ पे हमें 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने हेडफोन को 5500 रुपये में खरीदा था लेकिन बेचा हम लोगों ने 5,000 में, तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमें नो प्रॉफिट शोन कर रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंटर को 10,500 में खरीदा था और बेचा है 10,000 में, तो यहाँ पे हमें नो प्रॉफिट शोन कर रहा है। अब हम चलिए इसी तरह से लॉस के टेबल को भी क्रिएट करते हैं। तो हम इक्वल टू लिखते हैं इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अब ब्रैकेट में इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेल प्राइस सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग ये लेस देन का यूज करेंगे, उसके बाद कॉस्ट प्राइस, फिर से वैसे ही हम लोग सेल प्राइस में माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को, उसके बाद हम लोग एक डिफॉल्ट वैल्यू को पास करेंगे। तो डिफॉल्ट वैल्यू पास करने के लिए हम लिख देते हैं नो लॉस, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे हमें शुरू में तो नो लॉस हुआ,
हम चलिए यहाँ पे देखिए इन दोनों के टाइम पे हमें क्या रिजल्ट शो करता है। तो यहाँ पे हमें देखिए 500 और 500 का यहाँ पे हमें नुकसान शोन कर रहा है। इसी से तब हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट को भी फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रॉफिट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे किसके साथ, तो कॉस्ट प्राइस के साथ, और उसके बाद हम इसे गुना कर देंगे 100 से, ब्रैकेट बंद। ये हमारा परसेंटेज फाइंड आउट हो गया, लेकिन यहाँ पे रुपीज में फाइंड आउट हो रहा है। मैं इसे यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक गड़बड़ आपको और दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको ये 1250% हो गया है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला में एक चेंज करना होगा, यहाँ पे हमें इस वैल्यू को यहाँ से रिमूव करना होगा। अगर आप इस वैल्यू को रिमूव नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आसानी से एक काम और कर सकते, वो मैं आपको बतला दूं। यहाँ पे ये 100 होगा, एंटर। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे जो परसेंटेज है इसे आप जनरल में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे 12.5% हो गया, यहाँ पे आपका 12.5% का नुकसान हुआ है। इसे मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ, तो यहाँ पे सारे का हमें बता देगा कि यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे हमें नुकसान हुआ है तो यहाँ पे ये नो वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा। उसी से हम लॉस का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वल टू, मैं ब्रैकेट को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, और फिर वैसे ही मैं यहाँ पे लॉस वाले सेक्शन को क्लिक करूंगा, डिवाइड करूंगा किसके साथ, तो कॉस्ट प्राइस के साथ, और उसके मैं इसे गुणा कर देता हूँ 100 से, ब्रैकेट बंद और एंटर। यहाँ पे ये वैल्यू इनविजिबल हो गया। अब हम इसे नीचे तक कर देते हैं, यहाँ पे ये देखिए ये ऑलरेडी जनरल में है। तो हम इसे अब क्या करते हैं, इन दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। परसेंटेज में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ देखिए हम इसे परसेंटेज पे कन्वर्ट करते हैं और इसको भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे सारा वैल्यू गड़बड़ हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आएंगे और यहाँ से ये जो 100 लिखा हुआ है हम इसे यहाँ से इरेज कर देंगे। अब हम इसे यहाँ से ड्रैग कर देते हैं नीचे तक, ताकि हमारा सब सही हो जाए। तो ये सारा सही हो गया बिल्कुल उसी तरह से। अब हम इस यहाँ भी वही चेंजेस करेंगे। एंटर। अब बिल्कुल हम इसे इसी तरह से यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, ताकि ये सारा सही हो जाए। ये हो गया। अब हम यहाँ पे इसे एक चीज और सेट कर सकते हैं। यहाँ ये देखिए परसेंटेज में आने के बाद यहाँ पे आप डेसिमल पॉइंट 2 कर सकते हैं और ओके, यहाँ पे आपका ये सारा वैल्यू सही हो गया। बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ पे फिर आए मोर अकाउंटिंग परसेंटेज, और फिर आप यहाँ पे ओके कर दें, तो यहाँ पे ये सारा वैल्यू सही हो गया। आपको नुकसान कितने का हुआ, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, यह सब कुछ यहाँ पे शो होने लगा। तो चलिए अब हम इसका पेंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस पी करके मैं आपको यहाँ पे पेंट प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। तो हमारा पेंट प्रीव्यू इस तरह से यहाँ पे आपको शोन होगा। आप चाहे तो इसे सेव कर सकते हैं, या फिर आप इसे एक प्रिंट करके आप इसे प्रिंटर की वजह से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम वापस आपको अपने क्लास की तरफ ले चलते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं ऐसा करता हूँ, आज मैंने आपको जो भी पढ़ाई होगी वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, जिसमें हम एक्सेल की इस क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।